दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, साक्षर क्यों? ये एक प्रश्न है जो हम हर कार्यक्रम में पूछते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं हम नहीं, लेकिन इसका जवाब आप देंगे, हजारों लाखों करोड़ों लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। स्टूडियो में आमंत्रित हमारे विशेष मेहमान भी इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जो दो टीमें हैं, गंगा और जमुना, उनमें से कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने शायद स्कूल या कॉलेज में तो तालीम हासिल ना की हो, पढ़ाई ना की हो, लेकिन अपनी परिस्थितियों से जंग कर संघर्ष कर उन पर इन्होंने विजय पाई है और आज ये उस लेवल तक, उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इन्हें पूरी दुनिया की, अपने देश भारत की खास तौर से जानकारी है। लेकिन ये भी चाहते हैं कि काश इन्हें मौका मिला होता स्कूल या कॉलेज में जाने का, साक्षर बनने का। हमारे पास स्टूडियो में ढेर सारे मेहमान भी हैं जो यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी प्रश्न पूछेंगे, उनके लिए भी हमारे पास इनाम है। अगर आपने, टीम गंगा ने या टीम जमुना ने हमारे एक प्रश्न का सही जवाब दिया तो आप ये धुन सुनेंगे, और अगर आपका जवाब सही नहीं है तो आप ये सुनेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में एक विशेष मेहमान भी मौजूद हैं, इनका नाम है श्री भुवन मोहन साहब, सेक्रेटरी हैं श्री बनारसीदास चांदीवाला सेवा स्मारक ट्रस्ट सोसाइटी के, और इनकी सोसाइटी काम कर रही है प्रौढ़ शिक्षा में, साक्षरता में, समाज सेवा में। भुवन मोहन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू हैव जॉइंड अस, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और बातचीत करने का आपसे मौका मिलेगा। इससे पहले कि हम पहला प्रश्न टीम गंगा से पूछें, एक आपको जानकारी देते हैं, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ से हमें ये जानकारी मिली है। कहते हैं कि पिछले साल यानी सन 2000 में जो विकासशील देश हैं, जितने हैं पूरे सारे विकासशील देश, वहां पर सेकेंडरी एजुकेशन यानी हाई स्कूल के लेवल तक केवल 54% जो बच्चे हैं वहां पर स्कूल में दाखिल हुए थे, जबकि यूनिवर्सिटी में केवल 9%। इसकी अपेक्षा जो दुनिया के 20 सबसे विकसित देश हैं वहां पर हाई स्कूल लेवल तक 107% बच्चे रजिस्टर किए गए थे, दाखिल किए गए थे। यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक ही समय पर दो स्कूलों में दाखिल हैं, क्योंकि अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी वो बढ़ाना चाहती हैं, और यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में 64%। इसका मतलब यह है कि देश के विकास से बहुत गहरा संबंध है साक्षरता का। पहला प्रश्न 10 नंबर के लिए हम पूछ रहे हैं टीम गंगा से, लेकिन प्रश्न से पहले टीम गंगा से अनुरोध है कि अपना परिचय खुद दें। मेरा नाम अमित बुद्धि राजा है, मैं 12वीं पास हूं, लेकिन इसके आगे पढ़ाई नहीं कर सका। क्यों? कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर सका। लेकिन दिल आपका चाहता था? बहुत ज्यादा चाहता था। अमित जी, अब आप क्या करते हैं? अब मैं पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटाता हूँ। इतना खुश है? खुशी हूँ। खुशी हूँ, लेकिन और खुश होते अगर आप विश्वविद्यालय में जा सकते। बहुत खूब अमित जी। और आपके साथ ही? मैं संतोष कुमार, सिकंदराबाद से आया हूँ जी, कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ। और कहाँ तक पढ़े हैं? 10th class तक पढ़ा हूँ। छोड़ा क्यों आपने? सर, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि आगे पढ़ नहीं पाए, लेकिन अब पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते भी हैं। पढ़ते भी हैं आप? शाम के स्कूल में जाते हैं? शाम के स्कूल में। बहुत खूब। आप विवाहित हैं? नहीं सर। जब आप विवाह करेंगे और आपकी संतान होगी, उनको क्या तोहफा देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो भी आगे पढ़े, ताकि मेरी तरह ये ना उनके दिल में कि वो पढ़ना चाहते थे और वो पढ़ नहीं पाए। बहुत खूब, ये सबसे पहला तोहफा आप अपनी संतान को देना चाहते हैं। आपके मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में, इस खेल में, इस मुलाकात में एक दूसरी टीम भी है जिनका नाम है यमुना, और अब अनुरोध है टीम यमुना से कि अपना परिचय खुद कराएं। मैं राजकुमार सैनी जी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूं। आप क्या करते हैं राजकुमार? ठेली चलाता हूँ। क्या चला? ठेली चलाता हूँ। ठेली चलाते हाँ। हैं, पढ़े लिखे हैं आप? हाँ जी, चौथी क्लास तक हूँ। चौथी क्लास तक पढ़े, फिर उसके बाद छोड़ना पड़ा? उसका जैसे घर के हालात दे गए तो छोड़ना पड़ा। आप विवाहित हैं? नहीं। अब विवाह तो होगा किसी ना किसी दिन, तो आपके क्या ख्वाब हैं अपने बच्चों के लिए? मैं अपने बच्चों को जो अच्छा, अच्छी तालीम दिलाऊंगा, कोशिश यही करूंगा कि मुझसे ज्यादा ही पढ़े। क्या आपसे ज्यादा पढ़े वो? बहुत खूब, ये भी जानकर हमें बहुत खुशी। और आपके साथ कौन है? जी, मैं राम बाबू हूँ। जी राम बाबू जी, लखनऊ से आया हूँ, ऑटो रिक्शा चलाता। ऑटो रिक्शा चला लखनऊ में? जी। बहुत खूब, कैसा शहर है लखनऊ? बहुत ही अच्छा।
बहुत ही अच्छा, वहाँ के लोग सुना है बहुत तहजीब वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं लोगों के साथ, आपको देखकर यही लगता है कि बहुत अच्छा शहर होगा। राम बाबू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। पहला प्रश्न आपका 10 अंक के लिए टीम गंगा, फुटबॉल खेलते समय एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? और बड़े ध्यान से सलाह मशवरा करके हमें जवाब दीजिएगा, 9, 12, 11 या 10। मेरी बात मानिए, मेरी बात मानना चाहेंगे, मेरी राय चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए सर, आप कह रहे हैं कि मेरी राय भी इनको चाहिए, मेरी राय मानिए तो कह दीजिएगा 10 जो सही है, बाकी आपकी मर्जी है, 9, 12, 11 या 10। मेरी बात नहीं मानी आपने, ग्यारह खेलते इसलिए 11 ही चाहिए। 11 खेलते आपको कैसे मालूम है? क्योंकि हम भी खेलते थे। अच्छा, आप भी कभी कभी फुटबॉल खेलते थे, आपने फुटबॉल खेलते, आपने कहा 11 और उन्होंने कहा, आपके अंक हो चुके हैं 10। यमुना आप लोग तैयार हो जाइएगा, मुस्कुराइएगा, क्योंकि ये खेल भी है साथ साथ एक मुलाकात भी है, दोस्ती भी है, मित्रता भी है। हमें ये बताइएगा कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु, तमिल, मलयालम या फिर उड़िया? तमिल बोल दिया आपने, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो बोले। अब हम जो हमारे विशेष मेहमान यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं उनसे पूछेंगे। मेरा नाम चौधरी भीम सिंह है जी, मैं गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूँ। बहुत खूब चौधरी साहब, अब ये बताइए कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल तो गलत है, अब आपके पास बचे तेलुगु, मलयालम या उड़िया? उड़िया, उड़िया बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, आपने फरमाया उड़िया, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा यह भी गलत है। अब तो बची हमारे पास केवल दो भाषाएं, तेलुगु या मलयालम। तेलुगु। आप क्या बोले? आपने कहा तेलुगु बोली जाती है। लतिका जी बहुत खूब, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको मालूम है कि वहां पर तेलुगु बोली जाती है। अगला प्रश्न, हमारा अगला सवाल है टीम गंगा के लिए, और गंगा अगर आप लोग तैयार हैं हमें यह बताइए, बिस्मिल्ला खां साहब जो हैं किस वाद्य से संबंध रखते हैं? सितार से, तबले से, शहनाई से या फिर संतूर से? बिस्मिल्ला खां साहब किस वाद्य से संबंध रखते हैं? मेरी बात मानिए तो संतूर कह दीजिएगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। शहनाई। मेरी बात नहीं मानते आप, नहीं। यानी आपने फैसला कर लिया है कि जो मैं कहूंगा वो गलत कहूंगा और गलत के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। आपने कहा शहनाई और वो बोले बिल्कुल सही फरमाया, आपके 20 अंक हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। यमुना, ये रहा आपका अगला सवाल, आमतौर पर बैंक पासबुक का उपयोग किस लिए किया जाता है? पैसा जमा कराने के लिए आमतौर से, शेष रकम जानने के लिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कितना जमा कराया कितना निकाला है, पैसा निकलवाने के लिए या फिर कुछ भी नहीं घर में रखने के लिए? ये जो चार जवाब आपके पास यहां पर हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि सबसे अहम जो इसका उत्तर है वो कौन सा हो सकता है? मेरी बात मानिए तो कह दीजिएगा शेष रकम जमा करने के लिए या जानने के लिए, ये मेरी आपसे राय है। बाकी एक बार तो मैं आपको धोखा दे चुका हूं, हो सकता है कि दूसरी बार भी मैं धोखा दे दूं आपको। क्यों भवन मोहन जी? आपने कहा कि आमतौर से पैसा जमा कराने के लिए, सही बात है, तो आपने कहा कि आमतौर से ज्यादातर उसका उपयोग होता है पैसा जमा कराने के लिए, और आप लोग क्या बोले? अब कभी कभी मेरी बात मान लिया करें, कभी कभी गलती से भूल कर मैं भी सच बोल देता हूं। अब हमारा अगला प्रश्न जो है यही वाला ऑडियंस से पूछा जाएगा, अब बताइए कि बैंक पासबुक का प्रयोग आमतौर से ज्यादातर किस लिए किया जाता है? शेष रकम जानने के लिए। आपने कहा शेष रकम जानने के लिए और आप बोले अब बारी है टीम हमारी गंगा की, आप लोग तैयार है? गंगा आपका स्कोर इस समय 20 है, जमुना का है 0। अगला प्रश्न, उस पक्षी का नाम बताइए जिसे उड़ीसा पुलिस कभी कभी सरकारी संदेश भेजती है, वो है कौवा, बाज, कबूतर या फिर तोता? कबूतर सर। कबूतर। आपने कहा कबूतर और आप बोले,
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। स्कोर इस समय 0 है जमुना का। जमुना आपका प्रश्न, दिल्ली से पूर्व की तरफ सफर करते समय सबसे पहले किस राज्य की सीमा पड़ती है? अब आप हमें बताइए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? मेरी बात मानिए तो कह दीजिए राजस्थान, दिल्ली से पूर्व की तरफ सफर करते समय। बताइए, अब देखिए मैंने आपको राय दी है कि राजस्थान का ही, आपने कहा था मेरी बात मानेंगे, नहीं मानेंगे, जरा जोर से बोलिए कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और आप क्या बोले? अब क्या फैसला किया आपने, मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सोच के मानेंगे। बहुत खूब, अब मौका है टीम गंगा का। गंगा, हम आपके लिए एक धुन बजा रहे हैं, कभी कभी फिल्में देखते हैं आप? हाँ जी। देखते हैं ना, तो अब इस धुन को सुनिएगा और जोर से हमें बताइएगा कि इसके शब्द, इस धुन के बोल जो हैं वो क्या हैं। सुनिएगा बड़े ध्यान से। बताइए, बोल जानते हैं इसके? बताइए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अच्छा, दिल है हिंदुस्तानी, ये तो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे, आप लोग क्या बोले? अगला प्रश्न टीम यमुना के लिए है, और यमुना जरा आप भी बड़े ध्यान से एक धुन सुनिएगा और हमें बताइएगा इसके बोल क्या हैं। जी बताना चाहेंगे? आपस में सलाम मशवरा करिए और फिर जोर से बोलिएगा। बताइए। किसी का प्यार मिल सके तो ले उधार। किसी का प्यार मिल सके तो ले उधार। आगे जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, क्या बात है, जीना इसी का नाम है। बोल तो याद नहीं है। बोल याद नहीं है लेकिन जीना याद है, क्या ये सही है? अब देखिए आपका स्कोर हो चुका है 20, गंगा टीम का है 40, और हमारे विशेष मेहमान जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, भुवन मोहन साहब, जरा कुछ देर के लिए उनसे वार्तालाप करें, बातचीत करें। भुवन मोहन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बताइए कि श्री बनारसीदास चांदीवाला सेवा स्मारक ट्रस्ट सोसाइटी जो है, इसका मुख्य काम क्या है? देखिए, इसके दो मेन हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जी, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। एजुकेशन के अंदर हम काफ़ी इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आगे भी हमारे प्रोग्राम हैं उनको और आगे बढ़ाने में और तरह तरह के इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने में। इस वक्त जो हम चलाते हैं इंस्टीट्यूट, उसमें एक कॉलेज चलाते हैं, उसका नाम है GDM, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, जो गंगाराम हॉस्पिटल के पास है। वो एक लड़कियों का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसके अंदर तकरीबन 1800 लड़कियाँ पढ़ती हैं, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस लगती हैं। उसके बाद दो इंस्टीट्यूट हमने अभी 2-2.5 साल पहले खोले हैं, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोफेशनल्स के लिए हमने खोले हैं। उसको एक तरह से आप ये कहें कि एक होता है फॉर्मल एजुकेशन और एक होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल से मेरा ये मुराद है कि उसके अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो एक तरह की टेक्निकल शिक्षा है, जो आपके उसको वोकेशनल भी बोलते हैं, कि उसको सीखने के बाद आप किसी भी लाइन को पकड़ सकते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ उसमें एक्सेल कर सकते हैं, आपके कमाने के लिए उसमें एक साधन अपने आप बन जाता है। भुवन मोहन साहब, इतने क्षेत्र हैं हमारे देश में जहां पर खास काम की जरूरत है, आपकी जैसी संस्थाएं जो हैं वो विशेष काम करती हैं, सरकार का हाथ बटाती हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना जोर साक्षरता पर, एजुकेशन पर क्यों दिया है? हमने शुरू से ये महसूस किया कि हिंदुस्तान में शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले से हम चले आए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसके मामले में, कि हमारे पिताजी भी, हमारी माताजी भी, या हमारे पहले जो लोग थे, बहुत कम पढ़ा करते थे। अब तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, और बहुत कम से मेरा मुराद है पढ़े नहीं थे वो, आप ये समझ लीजिए एक तरह का। लेकिन अब ये ज़माना आ गया है कि बगैर पढ़े लिखे गुजारा तो है नहीं,
किसी भी काम के लिए पहले चिट्ठी पत्री भी आप जानते हैं इतनी ज्यादा नहीं लिखी जाती थी, अब तो साधन बहुत ज्यादा हो गए। और अब जो आगे जमाने आने वाला है, मैं आपको एक बात दूसरी भी बताऊं कि पहले तो किसी जमाने में अगर कोई आदमी दसवीं पास कर लेता था तो बड़ी वाहवाही हो जाती थी कि भाई इसने दसवीं पास कर ली, और आजकल अगर दसवीं पास कर ले तो उसको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। यानी हमारा स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है, और जो आगे आने वाले साधन यानी जो मैं समझ रहा हूँ समय आ रहा है उसमें जब कंप्यूटर एजुकेशन हमारा आ गया तो मैं मेरा ये विचार है कि ये भी पढ़ाई बहुत आपको हेल्प करने वाली नहीं रहेगी जितनी भी है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखें कि अगर इतना भी हम ना पढ़ें कि अपनी चिट्ठी पत्री लिख सकें या एक दूसरे से हम विचार विनिमय कर सकें तो वो चीज़ हमारे लिए और भी ज़्यादा लानत के काबिल हो जाती है। जो साक्षरता की आप बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ लोग बाग आजकल रियलाइज बहुत करने लगे हैं कि अगर मैं अभी खास थोड़ा पढ़ लिख लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। देश की ताकत अगर एक चीज़ है जिस पर निर्भर है, क्या वो है उस देश का पैसा, उस देश के हथियार या फिर उस देश के नागरिक जो साक्षर है? देखिए साक्षरता ही सब कुछ है, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, पैसा अपने आप आएगा। अगर आप अपने आप अगर आपने पढ़ लिख गए तो पैसा तो आएगा। और आज के ज़माने में आपको बताता हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ आज हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा कमाई किस चीज़ में कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है एक तरह सा एजुकेशन, आईटी एजुकेशन। और आप ये समझिए एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मैं जो अगर आप अमाउंट देखेंगे तो वो इसी से आपको आ जा रहा है, हम सर्विसेज बेच रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर की जो जानकारी है। लेकिन भुवन मोहन साहब आपने जवाब बहुत अच्छा दिया कि एक देश का सबसे शक्तिशाली जो हथियार है वो है साक्षरता। हमारा अगला प्रश्न और ये है हमारी टीम गंगा के लिए। गंगा आप लोग तैयार है? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छी बात है, दौड़ेंगे तो नहीं ना? नहीं, यहीं बैठे रहेंगे। बहुत खूब, ये रहा आपका प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर जनता चुनाव करती है? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी, और वो क्या बोले? अगला प्रश्न, इस समय 50 हैं गंगा के, 20 हैं यमुना के, और यमुना ये आपका मौका है कि आप जल्दी से पकड़ लीजिएगा गंगा को, आपको संगम तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, यहीं स्टूडियो में कर लीजिएगा। बायोगैस का क्या उपयोग है? आम तौर से ज्यादातर बायोगैस का क्या उपयोग है? खाना बनाने में, लैंप जलाने में, कमरा गर्म करने के लिए, ये सब कुछ। यानी बायोगैस से सिर्फ खाना बना सकते हैं, सिर्फ लैंप जला सकते हैं, सिर्फ कमरा गर्म कर सकते हैं, या ये सब कुछ आप कर सकते हैं? मेरी बात मानिए तो बायोगैस सिर्फ आप कमरा गर्म कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ये सब कुछ कार्य कर सकते हैं। यानी आपने मेरी राय को ठुकरा दिया, नहीं स्वीकार किया। अगर अगर अब गलत हुआ जो आपने कहा, फिर अगली बार मेरी बात मानेंगे? सोच के मानेंगे। आपने कहा सब कुछ, और आप क्या बोले? यानी एक तो सबक आपने सीख लिया है कि किसी दूसरे की बात पे यकीन मत करिए, आपका अपना जो विश्वास है उस पर यकीन करिए। आपका स्कोर अब मैं जरा देखता हूं, नजर डालता हूं, बढ़ के हो गया है 30 जबकि 50 है गंगा का। गंगा, एक मौका आपके लिए और। बिहार राज्य की राजधानी का नाम बताइए। पटना, गांधीनगर, भोपाल या कोलकाता? पटना सर। पटना। अब मालूम नहीं है मुझे, क्योंकि आप इस समय केवल 50 अंकों पर फंसे हुए हैं, और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो कठिनाई हो जाएगी। आपने कहा पटना, और वो बोले? आपके अंक तो दुगने हो चुके हैं, आप 60 तक पहुंच चुके हैं। यमुना, ये बताइए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, या फिर असम में है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में है। अगर आप अभी भी अपनी राय बदलना चाहें तो पूछ लीजिएगा। नहीं, नहीं, आपको यकीन है कि राजस्थान है, और आप क्या बोले? ये भी बिल्कुल सही है, आप पहुंच चुके हैं 40 तक, और गंगा
आपका स्कोर है 60। अभी हमारे पास चंद ही प्रश्न बाकी हैं, हो जाएं तैयार। अगर आप अपनी लीड बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको सही जवाब देना पड़ेगा। प्रश्न हमारा अगला ये वाला है, राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है? जयपुर, उदयपुर, बिल्कुल सही है, सवाई माधोपुर, ये भी हो सकता है, या फिर जोधपुर? जयपुर। आपने कहा जयपुर और वो बोले, यह हमारा अगला प्रश्न है, यह हमारी टीम यमुना के लिए। और यमुना, अगर आप लोग तैयार हैं, हमें यह बताइए, पुष्कर में किस भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है? महावीर का है, भगवान शिव का है, भगवान ब्रह्मदेव का है, या फिर भगवान श्री गणेश का है? पुष्कर में किस भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है? अब मेरी बात मानिए तो ब्रह्म कह दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। मेरी राय चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, मैंने दे दी आपको, और मुफ्त में दी है, पैसे भी नहीं लूंगा। बताइए, ब्रह्म। अगर गलत हुआ तो फिर बताइए क्या करेंगे आप? पिटाई तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वादा रहा। अब सोच लीजिएगा, आपस में बातचीत कर लीजिएगा, सोच लीजिए। पहले आपने महावीर कहा, अभी शिव भी है, भगवान ब्रह्म भी है, भगवान श्री गणेश। मेरी राय मान ली इस बार, देखिए मेरे ऊपर बहुत बोझ डाल दिया है, इन्होंने कहा ब्रह्म और आप क्या बोले? अगला प्रश्न ये हमारी टीम गंगा के लिए, मेरे पास बस चंद ही प्रश्न बाकी बचे हैं। जय हिंद का नारा किस महान नेता ने दिया था? उस महान भारतवासी, उस महान सपूत, इस महान देश के का नाम बताइए जिन्होंने ये नारा दिया था, जय हिंद। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस? मेरी बात मानिए तो कह दीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपकी मान ली, मेरी बात मान ली। आपने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आप बोले, बहुत खूब, आप पहुंच चुके हैं 80 पर, जबकि यमुना आप लोग थोड़े पीछे हैं, क्योंकि यमुना थोड़ी सी छोटी नदी है, आप लोग 50 पर हैं। ये रहा आपके लिए हमारा अगला प्रश्न। भारतीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, केसरी है, सफेद है, हरा, और अशोक चक्र बीच में। बताइए हरा रंग ध्वज में कौन से हिस्से में होता है? हरा रंग ध्वज के कौन से हिस्से में होता है? सबसे नीचे, बीच में, सबसे ऊपर, या फिर केवल अशोक चक्र में? सबसे नीचे। आपने कहा सबसे नीचे और आप बोले, आप पहुंच चुके हैं काफी नजदीक गंगा के, 60 आपका स्कोर हो चुका है। ये मेरे 2 आखिरी प्रश्न हैं टीम गंगा और टीम जमुना के लिए, एक आपके लिए और एक आपके लिए। तैयार हो जाइए, हमें यह बताइए चंद्रमौली किस भगवान का दूसरा नाम है? टीम गंगा, भगवान ब्रह्म का, भगवान श्री गणेश का, भगवान शिव जी का, या फिर भगवान विष्णु का? श्री गणेश। भगवान श्री गणेश का दूसरा नाम चंद्रमौली है। कंप्यूटर भाई बताइए क्या ये सही है ना? ये तो बोले गलत। ऑडियंस में देखते हैं हमारे जो दोस्त मौजूद हैं। विष्णु। आपने कहा भगवान विष्णु। बेटी आपने कोशिश तो बहुत अच्छी की है, और हो सकता है कि ये सही है। बताइए विशेषज्ञ लोग क्या ये सही है? ये भी गलत निकला। अब केवल हमारे पास 2 बचे हैं, एक बचा है ब्रह्म और दूसरे बचे हैं भगवान शिव। आप देखते हैं इनमें से कौन करना चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक जवाब ना दिया उनको मौका दिया जाए। सर शिव। आपने कहा शिव और आप क्या बोले? ये बताइए समुद्र के किनारे पर इनमें से कौन सा शहर बसा हुआ है? नागपुर, जयपुर, बैंगलोर, या फिर मुंबई? मेरी राय चाहिए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मुंबई सर। मेरी राय मांग लीजिएगा, नहीं मांगेंगे मैं तब भी दे दूंगा। मैं तो ये कहूंगा मुंबई कह दीजिए। मुंबई। अच्छा, आपने देखा मेरी राय मांगी भी नहीं और मैंने आपको अपनी राय दे दी। देखिए इन्होंने कहा कि समुन्द्र के तट पर बसा है मुंबई और आप क्या बोले? दोस्तों इस समय दोनों टीमों का स्कोर इस प्रकार है, यमुना के 70 हैं, गंगा के 80 हैं। और अब हम मौका देते हैं हारने वाली टीम को, यमुना को, जिसके अंक कुछ कम हैं। आप इसमें से चाहें तो मैं एक सवाल निकाल सकता हूं, और आपने उसका सही जवाब दे दिया तो आपके अंक बढ़ के 140 हो जाएंगे, यानी आप उनसे आगे निकल जाएंगे।
उन्होंने अगर जवाब नहीं दिया सही अपने डबल जैकपॉट का, तो उनके अंक उतने के उतने रहेंगे और प्रथम पुरस्कार आपको मिलेगा। हो जाएं तैयार, मिलाइए हाथ और जरा आप भी हाथ मिलाइए। अब हम अपनी बेटी से अनुरोध करेंगे कि बेटी इसमें से एक सवाल निकालकर हमारे पास लाइए। बड़े ध्यान से आइएगा। शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है। टाका या टका कौन से देश का पैसा है? चीन का, बांग्लादेश का, रशिया का या पाकिस्तान का? उसको टका या टाका कहते हैं। बांग्लादेश। मेरी राय नहीं चाहिए आपको, मेरी राय पूछे बिना आपने कह दिया बांग्लादेश। पूरा यकीन है बांग्लादेश। आप क्या बोले? बहुत खूब, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके अंक जो है ना अब दुगने होके 140 तक जा चुके हैं। बारी है आपकी गंगा, आप तो 80 पर हैं। अब बताइए आप भी कोशिश करना चाहते हैं? जी सर। एक प्रश्न निकाला जाए? हाँ जी। अच्छी बात है, शुक्रिया। अब ये बताइए कि जो कुंभ मेला होता है एक ही स्थान पर, वो कितने सालों बाद मनाया जाता है? 4 साल, 12 साल, 18 साल या फिर 100 साल बाद मनाया जाता है? मेरी राय चाहिए तो पूछ लीजिएगा। 12 साल। ये बोले 12 साल और आप बोले। आपका स्कोर बढ़ के हो चुका है 160, जबकि यमुना का स्कोर है 140। दोनों टीमों को हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं।